पूरा देश स्तब्ध है ये जानकर कि कोटा में दो बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और इससे पूरा पूरा देश हैरान है। और कोई कह रहा है कि पेरेंट्स का प्रेशर जिम्मेदार है, तो सोसाइटी जिम्मेदार है, कोटा जिम्मेदार है, तो गवर्नमेंट का एजुकेशन पॉलिसी जिम्मेदार है, प्रेशर है, एक्सेट्रा। आखिर क्या चीज़ है कि जिम्मेदार है? लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कमज़ोर कौन है यहाँ पर? क्या चीज़ है जो एक इंसान को इतना कमज़ोर बना रहा है कि वो मौत को गले लगाना उससे ज़्यादा इजी लग रहा है बनिस्बत की ज़िंदगी के चैलेंज को फेस करने से? तो एक बात तो सबसे पहले क्लियर है कि ये अकाउंटेबिलिटी हर स्टूडेंट को, हर इंसान को अपनी लेनी होगी। आप ब्लेम करना सबसे पहले छोड़ें किसी और को। पेरेंट्स अगर प्रेशर डालते हैं तो पेरेंट्स कहीं से भी गलत नहीं हो सकते। पेरेंट्स का बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशन, बेटर फ्यूचर, बेटर भविष्य बनाना और एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाने का अगर माँ बाप सपना देखते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं एक दबाव बनता है बच्चों पर, तो पेरेंट्स कहीं पर भी यहाँ पर गलत नहीं है। समाज अगर पूछता है आपसे, तो समाज को की भी एक एक्सपेक्टेशन है, तभी रिलेटिव्स और समाज, सोसाइटी आपसे सवाल करती है। आप ये नहीं कह सकते कि समाज जिम्मेदार है। एजुकेशन पॉलिसी इस तरह बनाई जाती है कि हम एक आदर्श नागरिक, हर इंसान को एक, हर बच्चे को एक आदर्श नागरिक बनाएं। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि कोई इंसान, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा आखिर ये प्रेशर क्यों नहीं झेल पा रहा है। एग्जाम्पल शाहरुख खान का सबके सामने है कि उन्होंने कितना, उन्होंने एक वक्त था जब उन्होंने सब कुछ खो दिया। उनके पेरेंट्स 15 साल के एज में माता पिता को उन्होंने खो दिया, और जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उनकी बड़ी बहन बहुत सीरियस बीमार थी, स्टिल वो काम कर रहे थे। आज वो कहाँ है? उन्होंने अपना खोया हुआ सारा सारा एम्पायर फिर से खड़ा कर लिया। सो ये कहना, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत प्रेशर में भी लोगों ने सस्टेन किया है और आज वो कहाँ पर, आज एक एक अपना मुकाम बना रहे हैं। सो ये कहना, किसी और को ब्लेम दे करना कि पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, सोसाइटी जिम्मेदार है, अब पेरेंट्स अगर प्रेशर बना रहे हैं तो वो कहाँ तक गलत हैं? क्या अब पेरेंट्स बच्चों से पूछे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अब ये बच्चे अपनी पढ़ाई से, पढ़ाई करते हुए भी जब वो जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एफर्ट लगाना चाहिए, वो लगाने में कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है, एंड देन आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस पाते हैं। सो ऐसी सिचुएशन जिससे भी आती है, हम लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, और जब एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता था और कभी नहीं हुआ तो ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं, अब यही लगता था कि ये रिजल्ट ही बस आर और पार है, उसके अलावा दुनिया नज़र नहीं आती थी। आज जब हम लोग लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं तो समझ में आता है कि लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने को, और वो तो कुछ भी नहीं था, वो एग्ज़ाम का एक रिजल्ट कुछ भी नहीं था। लाइफ में और बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं और इंसान फेस करके आगे बढ़ जाता है। सो ये एक इतना सा प्रेशर कि इंसान को इतना कमज़ोर बना दे किसी को भी, सो ये सोचने वाली बात है। और हर किसी को यहाँ पर अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। जो एक 12, 14 साल, 15 साल, 16 साल के बाद का बच्चा इतना बाशऊर हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतनी समझ उसे आ जाती है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। यहाँ पर उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप कितने तरह के, किस तरह के प्रेशर, प्रेशर को अगर आपके सामने आता है तो उसे झेल पाते हैं। इसके लिए हर इंसान को, हाँ, ये 10, 12 साल तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स बनती है, क्योंकि 12 साल तक बच्चे का ब्रेन वेव्स बहुत ससेप्टेबल होता है कि वो बातें सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। सो 12 साल तक माँ बाप को बहुत डेलिकेटली बच्चों को हैंडल करना चाहिए, उन्हें मेंटली स्ट्रोंग और पावरफुल बनाना चाहिए। उस वक्त तक आप पढ़ाई का, पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों को मेंटल पावर पर, स्ट्रोंग बनाने पर जोर दें। बच्चों को मेंटली स्ट्रोंग बनाना है, बनाना चाइल्डहुड तक माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो 12 साल तक बच्चों को इतना पावरफुल बना दे, इतना स्ट्रांग बना दे, उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो फिर बाद में एग्जाम्स तो उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे भी दो बच्चे हैं, मैं पढ़ाई से ज़्यादा उनके मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ पर ध्यान देती हूँ।
होमवर्क करना वो अनदर एस्पेक्ट है। उसे जब वो मेंटली उसे कुछ भी मेंटली जब वो स्ट्रांग रहेगा फिजिकली एंड मेंटली, तो ये होमवर्क उसके लिए कुछ भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं जोर देती हूँ उसके इंटरेस्ट पर कि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, उसे पढ़ाई में मज़ा आए, वो उसके लिए उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही फन लगे जितना कि खेल। बस मैं उसको एजुकेशनल पार्ट को भी मैं देखती हूँ, लेकिन ज़्यादा जोर इस बात पर देती हूँ कि उसे पढ़ने में मज़ा आए, रादर देन उसे हर काम को फन की तरह करवाती हूँ, ताकि उसे हर काम उसे उतना ही अच्छा लगे जितना खेलना अच्छा लगता है। चाहे वो पढ़ना हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, पढ़ाई हो, पढ़ाई को मैं कभी भी उस पर प्रेशर नहीं डालती हूँ। पढ़ाई में जब इंटरेस्ट उसको आएगा, और यही वजह है मेरे दोनों बच्चे अपना होमवर्क बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से एंजॉय करके करते हैं, और यही एंजॉयमेंट मैं चाहती हूँ कि आगे भी करें। और जब वो 15-16 साल के हो जाएंगे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाएगी कि पढ़ाई भी उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही अच्छा है, उतना ही मज़ेदार है जितना खेलना, और उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आने लगेगा। फिर कहाँ का प्रेशर, जब वो उसमें उसे वो इंटरेस्ट, वो मज़ा मिलने लगेगा, वो फन लगने लगेगा, जब उसमें पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, तो फिर कुछ करने की चीज़ें एफर्टलेस हो जाएंगी। फ्यूचर तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में बहुत डेलिकेटली, बहुत नज़ाकत से डील करें कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी नेगेटिव बात ना जाए, क्योंकि बाद में उसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रेशर को झेलने होते हैं। सो अपनी ज़िम्मेदारी लें, हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले, और किसी और की वजह से अपना कोई स्टेप ना उठाए। वो खुद समझे कि अगर मुझे जो करना है उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, और अभी अगर रिज़ल्ट ख़राब भी आता है तो अच्छा भी हो सकता है, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इस रिज़ल्ट को फ्लिप करके बॉटम से टॉप पर भी आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, मेरे अंदर सारी पावर है। तो इतनी स्ट्रेंथ हर किसी को अपने अंदर जगाना चाहिए, हर कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद ले, रादर देन ब्लेमिंग कि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, स्कूल का प्रेशर ज़्यादा है, कॉलेज का प्रेशर ज़्यादा है, हर इंस्टीट्यूशन, हर सिस्टम एक बेस्ट रिजल्ट देने के लिए अपना सिस्टम बना रही है। स्कूल अगर बच्चों पर प्रेशर डाल रहा है तो इसलिए कि वो एक हर स्टूडेंट को एक बेस्ट इंसान बनाना चाह रहा है, क्योंकि इसी में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेनर, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन इसी में से तो निकलेगा। तो उसके लिए हर स्कूल, हर माँ बाप, हर गवर्नमेंट बच्चों को तैयार कर रही है। इसे नेगेटिव नज़र से नहीं देखना चाहिए कि प्रेशर डाला जा रहा है। प्रेशर डालना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक जेम को तैयार करना है, इसी में से कोई ना कोई जेम निकलेगा। तो इसी में से तराशने के लिए सोने को तपाना भी ज़रूरी होता है। सो हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी ले, अपने लिए बेस्ट दे, अपना बेस्ट दे, और किसी भी सिचुएशन में इसके लिए तैयार रहे कि मैं इस सिचुएशन को फ्लिप करके, कहीं से भी लीप फ्रॉगिंग करके इस सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकता हूँ या सकती हूँ, अपना गेम मैं खुद बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। आई एम अ गेम चेंजर, आई एम अ बॉर्न लीडर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई होल वर्ल्ड। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।